प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, शनि का परिवर्तन 2018 से चला आ रहा है। अभी इसकी कार्यप्रणाली निरंतर जारी रहेगी। 2027 तक शनि अपना कार्य पूर्ण कर चुके होंगे, लेकिन इस पूरी सुधार प्रक्रिया के अंदर शनि एक काम बहुत अच्छा करेंगे और वो ये, इंसान को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्म प्रधान है, यानी कि कर्म करने पर विश्वास करते हैं। चाहे फिर कर्म छोटा हो या बड़ा हो, कर्म विहीन व्यक्ति को शनि कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। और शनि का जब भी परिवर्तन होता है, शनि कुछ परिवर्तन लाने वाले होते हैं, तो इस संसार को एक गति प्रदान करते हैं, एक ऐसी गति प्रदान करते हैं जो संसार के अंदर हर वर्ग को साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 1990 का दशक हो या 1960 का हो या 1930 का हो या 2020 का हो, हर कालखंड के अंदर जब जब शनि अपनी राशि में आते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं, 5 साल का मौका मिलता है उन्हें। इन 5 सालों में वो पूरी तरह से परिवर्तन की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है। अभी आत्मनिर्भर होने की बात को जरा ध्यान से समझिए और ये देखिए कि कैसे शनि आत्मनिर्भर बनने की बात करवाते हैं। शनि सेपरेटिव टेंडेंसी के लिए जाने जाते हैं, यानी विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं। 1990 के दशक के अंदर पूरी दुनिया एक हो रही थी, सारे व्यापार एक हो रहे थे, दुनिया के हर देश ने दूसरे देश के लिए व्यापार के रास्ते खोले थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ लोग बहुत बड़ा पैसा बनाने में कामयाब हुए और लोग दूसरों को इस्तेमाल करके अपने व्यापार को बढ़ाने में कामयाब हुए। इसे आप एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का नया रूप कह सकते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाया और देशों को गुलाम बनाया, ठीक उसी तरह से 1990 के दशक के बाद में भी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पूरी दुनिया को एकीकृत किया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि आज बहुत सारी चीजें कुछ लोगों के हाथ में है और जिसका फायदा वो पूरी दुनिया को समझने में, उनकी ताकत को इस्तेमाल करने में और अपनी हुकूमत को उन पर चलाने में इस्तेमाल कर रही है। मैं बात कर रहा हूं डाटा की। उस दौर के बाद से आज दुनिया इस दौर में आ गई है कि जहां पर हम डाटा का बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं भावी नीतियों को तय करने में, दुनिया को समझने में, और उसका एडवांस रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये अगेन उसी तरह की गुलामी है जिस गुलामी को हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर देखा था। वो भौतिक गुलामी थी, ये मानसिक गुलामी है। आज ना चाहते हुए भी हम ऑनलाइन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, ऑनलाइन गेम, हर बच्चा मोबाइल पर लेकर के बैठ जाता है, गेम खेलने लगता है। ऐसी लत लगी कि कुछ देशों के अंदर तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है, ट्रीटमेंट कराना पड़ा है उनकी इस लत को छुड़ाने के लिए। अब चाहे लत ड्रग्स की हो या गेम खेलने की बुरी आदत हो, आदत तो आदत है और उसकी वजह से व्यक्तियों के मानसिक विकार कितने पैदा हो रहे हैं इस पर भी हम कभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में इसका एक आसान समाधान क्या है? एक आसान समाधान है आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर का मतलब यह होता है कि अगर कोई चीज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसके बिना भी आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके अपनी जिंदगी को आसानी से चला पाए या उसका कोई प्रतिरूप अपने लिए खुद तैयार कर पाए, ताकि आप किसी पर निर्भर ना हो। इसे कहा जाता है आत्मनिर्भरता, यानी दूसरों से तोड़ करके अपने आप को अपने से जोड़ना। यह एक शनि की कार्यप्रणाली है।
और इसीलिए पूरी दुनिया, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या और कोई चीज हो, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। और यही शनि का बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आने वाले समय के अंदर इस दुनिया को पुनः अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दशाओं में बांटेगा जरूर, ताकि हर व्यक्ति, हर देश अपने संसाधनों का प्रयोग करके अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाए। ये व्यवस्था, ये बड़ा परिवर्तन शनि करेंगे, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली ऐसी है। 1990 में आए तो उन्होंने आत्मनिर्भरता हमें दी। कैसे दी? हम मैन पावर पर निर्भर थे, मैन पावर से हमें उठा करके उन्होंने मशीनीकरण करके दिया। हम कंप्यूटर पर डिपेंड हुए और हमारी यात्रा, हमारी आत्मनिर्भरता लोगों से हटकर एक सीमित दायरे में आ गई और हमने उसमें तरक्की की। इसी तरह की आत्मनिर्भरता अब शनि पुनः हमें 2020 के बाद दे रहे हैं, जहां हर देश, हर व्यक्ति अपने स्वयं के संसाधनों पर भरोसा करके आगे बढ़ने का काम करेगा। इसीलिए दर्शकों, आज दुनिया आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है, क्योंकि शनि का ही ये कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है कि दुनिया को अपने पांव पर खड़ा करके, आत्मनिर्भर बना करके उनके जीवन को सुगम बनाया जाए। ये भी शनि की ही एक कार्यप्रणाली है और इस कार्य को वो बहुत ही प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। और यही कारण है कि 2027 आते आते ये दुनिया पूरी तरह से उसी स्थिति में होगी कि हर देश अपने संसाधनों का प्रयोग करके अपने आप को उस हाल में लेकर आएगा जहां से वो सुख शांति के साथ और सद्भाव के साथ अपना जीवन यापन कर सके, और उसी दिशा में सरकारों को भी काम करना होगा। एक भौतिकवादी विचारधारा से अलग हटके मानव संस्कृति को आगे रखते हुए, मानवता को आगे रखते हुए किसी एक ऐसी सृष्टि, ऐसे विश्व का निर्माण करना जहां मानवता सर्वोपरि हो, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन शनि करने वाले हैं और जिसकी रूपरेखा उन्होंने बना दी। कोविड उसका एक एग्जाम्पल था। हमारे मनो पर, हमारे भीतर स्वभाव पर, हमारी मनोस्थिति पर, हमारे मस्तिष्क पर इस कोरोना ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है और इसको हम नकार नहीं सकते। इसीलिए जो आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, वो भी शनि का ही एक परिवर्तन है जो इंसान को इंसान के नजदीक लेकर आएगा और भौतिक संसाधनों के पीछे जो एक दौड़ शुरू हुई थी उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आएगा। दर्शकों, बहुत बड़ा परिवर्तन है और अभी तो ऐसे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हम देखेंगे। इसीलिए समय रहते मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी उसका, ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, जिसकी रूपरेखा क्या बन रही है और किस तरह से हमारे जीवन पर वो एप्लीकेबल हो रही है, इसके संदर्भ में भी मैं आपको एक आकलन देता हूं। बहुत मेहनत लगती है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में, शब्दों को ढूंढने में, उनका प्रयोग करने में और एक शब्दों के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचाने में प्रयास करता हूं, ताकि आपको कम शब्दों में बेहतर तरीके से आने वाले भविष्य के लिए आपको एक सही दिशा दे सकूं, ताकि आप अपना जीवन बेहतर बना पाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।